Vardhman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhman Academy, Railway Road, Mera. इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि 2021 से नियुक्त किए गए ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर को सिर्फ 6,000 रुपए मासिक मानदेय दिया जा रहा है। आज जिला मुख्यालय पर इकट्ठा हुए इन लोगों ने साफ कहा कि विभागीय कार्य से इधर उधर जाने के कारण ही उनके 1,500 से ज्यादा खर्च हो जाते हैं। ऐसे में करीब 4,000 रुपए में वे अपना जीवन यापन कैसे करें। जिलाधिकारी के माध्यम से इन लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मानदेय राशि सम्मानजनक बढ़ाने, पंचायत सहायक का मानदेय प्रत्येक माह मिलने आदि की मांग की गई है। इन लोगों का यह भी कहना है कि आयुष्मान कार्ड बनाने में यूपी प्रथम आया है। ऐसा केवल पंचायत सहायकों की वजह से संभव हुआ है, लेकिन इसका श्रेय भी अन्य लोगों को दे दिया गया। दीपक मीवा हस्तनापुर से पंचायत सहायक ने यह जानकारी firstbite.tv को दी। मैं दीपक मीवा हस्तनापुर ब्लॉक से पंचायत सहायक हूँ। आज यहाँ पर चौधरी चंद सिंह पार्क में पूरे मेरठ जिले के प्रत्येक ब्लॉक से प्रत्येक पंचायत सहायक यहाँ पर आए हुए हैं। हमारी मांग है कि हमें बहुत अल्प मानदेय दिया जाता है, 6,000 रुपये। 6,000 में से 1,500 रुपये हमारे सरकारी कामों में खर्च हो जाते हैं। 4,000 रुपये में हम अपना घर का खर्चा कैसे चलाएं। हमारी मांग है कि हमारी वेतन 6,000 से बढ़ा करके 30,000 किया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि हमको संविदा के रूप में ना रखा जाए, हमको स्थायी किया जाए। तीसरी हमारी मांग है कि हमसे अन्य विभागों के काम कराए जाते हैं जिसका अतिरिक्त शुल्क हमें नहीं दिया जाता है, हमसे अन्य विभागों के कार्य ना किए जाए। तीसरी हमारी मांग है कि अभी प्रदेश में आयुष्मान कार्ड बने हैं। उत्तर प्रदेश सरकार अव्वल नंबर पर आयुष्मान कार्ड बनाने में आया था, जो कि पंचायत सहायक की वजह से ये संभव हो पाया है। लेकिन सरकार ने आंगनबाड़ी आशा को ही इसका श्रेय दिया है और उनके परिवार वालों को इस योजना में शामिल किया गया है, जो कि इसके असली हकदार पंचायत सहायक है। पंचायत सहायक की वजह से ही प्रदेश सरकार अव्वल नंबर पर आई है, लेकिन प्रदेश सरकार ने पंचायत सहायकों का कोई सम्मान नहीं रखा है, उनका अपमान किया है। हम ये चाहते हैं कि पंचायत सहायकों के परिवारों को भी आयुष्मान कार्ड योजना में शामिल किया जाए। वहीं ग्राम कैली खरखौदा से पंचायत सहायक बिंदिया ने यह जानकारी दी। मैं पंचायत सहायक बिंदिया ग्राम कैली विकासखंड खरखौदा से। हमारी सिर्फ इतनी मांगे हैं कि हमारा 6,000 मानदेय बहुत अल्प मानदेय है, हम इतने में काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम गाँव के टॉपर्स हैं। एटलीस्ट हमें इतना तो दिया जाए कि हम एक अपना अच्छे से बिहेव कर, मतलब अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकें, इतना तो हमारा होना चाहिए। क्योंकि अगर हम कहीं जाके प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब करते हैं तो हमको वहाँ पे भी ज़्यादा सैलरी अफोर्ड की जाएगी। और दूसरा हमारे साथ जो बिहेव किया जाता है कि तुमको हम कभी भी हटा देंगे, तुमको हम ये कर देंगे, तुमको वो कर देंगे, वो बिल्कुल हमें स्थायी किया जाए उसमें हमारी बिल्कुल, और थोड़ा हमारी इज्जत की जाए, जो कि हमारी इज्जत बिल्कुल भी नहीं होती है कि तुमको कभी भी हटाया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए firstbite.tv। नमस्कार।